दोस्तों, अगर हम समुद्र की गहराई की बात करें तो समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में हम इंसानों को पहुंच पाना लगभग इम्पॉसिबल है। हालांकि अभी तक हम इंसान सिर्फ 1080 फीट की गहराई तक पहुंच पाए हैं। हालांकि इतनी गहराई तक पहुंच पाने के बावजूद हमें कुछ ऐसी चीज मिली है जिनके बारे में जानकर कोई भी हैरान हो जाएगा। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चलिए कुछ ऐसी अनोखी चीजों के बारे में जानते हैं जो समुद्र के बिल्कुल गहराई में पाई गई। स्पेनिश ट्रेजर, ट्रेजर यानी कि खजाना। अब इसके बारे में तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हर कोई कभी न कभी तो यही सोचता है कि उसके हाथ कोई खजाना लग जाए जिससे उसकी जिंदगी बदल जाए। पर अभी हम लोग इस ख्याली पुलाव से निकलते हैं और स्पेन में मिलने वाले इस खजाने पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये खजाना जमीन में गड़ा हुआ नहीं बल्कि समुद्र की गहराई में पड़ा हुआ मिला। ये बात आज से करीब 5 साल पहले की है, यानी कि 2015 की है, जब डाइवर्स की एक फैमिली स्पेन के समुद्र में खजाना ढूंढने निकली। हम आपको बता दें कि ये फैमिली कोई हॉबी के लिए डाइविंग नहीं करती थी, बल्कि ये लोग प्रोफेशनल डाइवर्स थे और इन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि हजारों साल पहले सेलर्स जहाज से खजाना एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। ऐसे में स्पेन एक ऐसी जगह थी जहाँ पर कई बार खजाना पाया गया है, और इसी चीज की खोज में ये डाइवर्स की फैमिली निकली थी, जहाँ उन्होंने जब समुद्र के अंदर गोते लगाए तो उन्हें 52 सोने के सिक्के, 110 चांदी के सिक्कों के साथ साथ और भी कई सारे हीरे जवाहरात मिले, जिनकी कुल कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा थी। आईफोन 11, ज्यादा नहीं, बस आज से 2-3 साल पहले अगर फोन पानी में गिर जाए तो समझ लीजिए काम खत्म, क्योंकि पहले के फोन पानी में खराब हो जाते थे, लेकिन अब फोन वाटर रेजिस्टेंट आने लगे हैं, जिस वजह से अगर फोन पानी में गिर भी जाए तो भी उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। और सेम ऐसा ही एक मोहतरमा के साथ हुआ, जिनका नाम एमिली था, जिनका फोन समुद्र में गिर गया। और ये तब हुआ जब वो अपने ट्राइपॉड से फोटो खींच रही थी, और ऐसे में उनकी मदद की जेक ने, जो एक अंडर वाटर यूट्यूबर है और एक डाइवर भी है, जहाँ इन्होंने तुरंत एमिली की रिक्वेस्ट मान ली और उनका फोन लेने समुद्र की गहराई में चले गए, जिसके बाद काफी ढूंढने के बाद उन्हें ये फोन मिल गया। दोस्तों, जब हम इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहे थे तो हमने ये देखा कि डाइवर्स ने इतने जायंट स्नेक को समुद्र के अंदर ढूंढा। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि सांप अधिकतर फ्रेश वाटर में रहते हैं, और वो भी इतने बड़े सांप का समुद्र की इतनी गहराई में पाया जाना बहुत बड़ी बात है। बाकी आपका इतने जायंट स्नेक के समुद्र के अंदर पाए जाने पर क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंशियंट टेंपल, अब ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इजिप्ट में हजारों साल पुरानी कुछ ऐसी चीजें लगातार मिलती रही हैं, जो ये दावा करती हैं कि आज से हजारों साल पहले इस पृथ्वी पर रहने वाले इंसान हमसे कई गुना ज्यादा दिमागदार थे, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के न होते हुए भी बहुत ही आधुनिक तरीके से रहते थे। और इस चीज को एक बार और साबित किया है इजिप्ट के समुद्र में मिलने वाली शानदार सिटी ने, जो हजारों सालों पहले डूब गई थी, और उसी शहर के साथ एक ऐसा विशालकाय मंदिर मिला है, जिससे ये भी साबित होता है कि हजारों साल पहले लोग भगवान में आस्था रखते थे। ये मंदिर इजिप्ट के समुद्र में 1933 में डाइवर्स द्वारा ढूंढा गया, और ये आखिरी बार नहीं है, बल्कि हम आपको बता दें कि हाल ही में मेडिटेरियन सी के अंदर करीब 1040 फुट की गहराई में एक बहुत ही विशालकाय मंदिर मिला है। इस मंदिर में जिस ग्रीक भगवान की मूर्ति थी, वो आज से हजारों साल पहले बनाई गई थी, और 2000 सालों से ये समुद्र के अंदर मौजूद है। और इसी तरह से कई सारे एंशियंट स्ट्रक्चर कोल्ड टेम्परेचर और ऑक्सीजन की वजह से समुद्र की गहराई में प्रिजर्व हैं। जीसस, हाँ ठीक है, एक्चुअली जीसस वहाँ नहीं पाए गए, लेकिन हाँ उनकी मूर्ति समुद्र की गहराई में पाई गई। फ्लोरिडा के समुद्र में पाई गई ये जीसस की मूर्ति काफी ज्यादा अनोखी है। ये स्टैचू 1965 अगस्त के महीने में पानी के अंदर डूबा था, और अब ये समुद्र में 25 फीट नीचे मौजूद है। वैसे तो हम आपको बता दें कि ये मूर्ति खाली 400 पाउंड की है, लेकिन ये मूर्ति जिस पेस से अटैच है उसका वजन 20,000 पाउंड है, और इसीलिए ये मूर्ति कहीं भी जाने वाली नहीं है। दोस्तों, इस मूर्ति को समुद्र के अंदर लगाने का मकसद मायामी डाइवर माइकल को डेडिकेट करना है, जहां 9 फीट लंबी ये स्टैचू अब मरीन लाइफ में रहती है। दोस्तों, इस डेंजरस स्टैचू को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मारे गए इटली के फाइटर्स के लिए बनाए गए स्टैचू के रेप्लिका के तौर पर बनाया गया है। हम आपको बता दें कि इस जगह पर कई सारे डाइवर ये देखने आते हैं कि किसी डाइवर को डेडिकेट करने के लिए समुद्र के अंदर जीसस की मूर्ति आखिर कितनी शानदार लगती है। अमैन एंड हिज ट्रक, अक्टूबर सन 2019 में एक स्कूबा डाइवर कपल ऑरेगन के कोलंबिया रिवर पर डाइविंग कर रहा था, तभी इन दोनों हस्बैंड वाइफ को एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर ये दोनों हैरान हो गए, और वो चीज और कुछ नहीं बल्कि पानी के 20 फीट की गहराई में मिला ट्रक था। और उस ट्रक के साथ ही उसी जगह पर इस ट्रक के मालिक की बॉडी भी मिली, जिसे देखकर उस स्कूबा डाइवर कपल ने तुरंत पुलिस को बुलाया, और पुलिस ने आकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जहां पर ये पता चला कि ये जो ट्रक है और किसी की नहीं बल्कि इसी शख्स की है,
जहां पर ये 1993 में गायब हो गया था और उसके गायब होने की रिपोर्ट भी लिखवाई गई थी। हालांकि इसे बहुत ढूंढा गया लेकिन कहीं भी नहीं मिला और इतने सालों बाद जाकर सन 2019 में ये मिला। और तो और दोस्तों, जब इस चीज की और अच्छे से तहकीकात हुई तो ये पता चला कि ये जो शख्स है ये पानी में तूफान के कारण गिरा था, जहां पर काफी तेज तूफान आने की वजह से ये अपना ट्रक लेकर पानी के अंदर गिर पड़ा और इस डिस्कवरी ने 26 साल पुराना केस सॉल्व कर दिया। जायंट जेलीफिश, अगर आपको लगता है आपने जितने 100-200 जानवर देखे हैं सिर्फ उतने ही इस धरती पर मौजूद हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि अगर आपको इस दुनिया में बताए गए जितने भी जानवर हैं उनके बारे में पता है तो भी आपको सिर्फ 15% जानवरों के बारे में ही पता है। और अगर आपको और जानवरों के बारे में जानना है तो अमेज़न के जंगलों में या फिर समुद्र की गहराई में पहुंच जाइए। और जैसे कि आज हम पानी की गहराई की बात कर रहे हैं, ऐसे में हम आपको बता दें कि पानी के अंदर कई सारे क्रीपी क्रिएचर रहते हैं जिनको देखने के बाद इंसान की हालत खराब हो जाए। अब जैसे कि 2019 में इंग्लैंड के डाइवर्स को मिली इस जायंट जेलीफिश के बारे में ही देख लीजिए। ब्रॉडकास्टर लूसी डेली जब समुद्र की गहराई में गई तो उन्हें वहाँ बहुत ही ज्यादा बड़ी जेलीफिश दिखाई दी, जिसका साइज आप खुद ही अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये जेलीफिश जेलीफिश की प्रजातियों में सबसे बड़ी है, जहां ये आपको अधिकतर ब्रिटिश में ही देखने को मिलेगी। आमतौर पर इस प्रजाति की जेलीफिश का साइज 3 से 4 फुट होता है, लेकिन जिस जेलीफिश को लूसी ने ढूंढा था उसका साइज 5 फीट का था और वो नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा थी, जहां वो वाकई किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रही थी। द पुलास्की। दोस्तों, जब अंडर वाटर कई चीजें मिलने की बात होती है तो डूबे हुए जहाज का मिलना बहुत आम बात है, क्योंकि जब कभी भी तूफान आता है तो अक्सर जहाज पानी में डूब जाते हैं और फिर डाइवर्स द्वारा उन्हें बाद में खोजा जाता है। लेकिन अब तक जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल डूबा हुआ जहाज था वो और कोई नहीं बल्कि टाइटैनिक था, जिसे 1987 में खोजा गया। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये अकेला इतना कंट्रोवर्शियल जहाज नहीं था जिसे डाइवर्स ने खोजा था। इसके अलावा भी एक और जहाज है जिसका नाम द पुलास्की है। जनवरी 2018 में डाइवर्स ने अटलांटिक में 1838 में डूबे शिप को खोज निकाला। दोस्तों, जब ये शिप डूबा था तो इसमें कई लोग बैठे थे, जिनमें से आधे से ज्यादा की मौत शिप के डूबने की वजह से हो गई थी। पर इस शिप पर बैठे लोग कोई मामूली लोग नहीं थे, बल्कि काफी हाई प्रोफाइल लोग इस शिप के अंदर सफर कर रहे थे, जहां पर यूनाइटेड स्टेट के कांग्रेस मैन विलियम रोचेस्टर भी शामिल थे। पर उसके अलावा भी कई सारे नामी ग्रामी लोग इस जहाज के अंदर सफर कर रहे थे। लेकिन अफसोस, ये उनका आखिरी सफर था, जहां इस जहाज के डूबने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। डाइवर्स को नॉर्थ कैरोलिना से करीब 40 मील दूर ये शिपरैक मिला, जिसके बाद हिस्टोरियन ने इस शिप की डिस्कवरी को कंफर्म किया। मयान रिलिक्स। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे लंबी डूबी हुई गुफा के बारे में, जो कि जनवरी सन 2018 में खोजी गई। दोस्तों, एक पूरे डाइवर का ग्रुप माया सभ्यता के बारे में जानने के लिए निकला था, जहां उन्होंने समुद्र की गहराई में इतनी लंबी गुफाएं देखी कि जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह गए, जिनकी लेंथ कम से कम 300 किलोमीटर के बराबर होगी, जहां पर इन गुफाओं में रास्ते भी बने थे, जिसका साफ मतलब है कि यहां पर लोग भी रहा करते थे। हम आपको बता दें कि माया सभ्यता के लोग काफी ज्यादा भौगोलिक चीजों को जानते थे, उसके अलावा इनकी भविष्यवाणियां भी काफी सही होती थी, यानी कि ऑल टोटल वो हमसे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। ऐसे में इनके बारे में और भी कई सारी चीजें लगातार पता लगाने की कोशिश करी जा रही है, और इसी वजह से समुद्री गुफा को भी ढूंढा गया, जिससे माया सभ्यता के बारे में और भी कई सारी चीजें पता लगाई जा सके। और यहाँ मिली ये गुफाएं माया सभ्यता के लोगों के साथ रिलीजियस चीजों से भी जुड़ी हुई हैं, जहाँ ये कहा जाता है कि माया सभ्यता के लोग यहाँ पर आके अपने गॉड से कम्युनिकेट करते थे। बाकी डाइवर्स का ये कहना है कि अगर उन्हें वाकई में अच्छी फंडिंग मिलती है तो इस तरह की और भी कई सारी चीजें ढूंढ निकालेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।